तो गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मुझे हाल ही में एक रिक्वेस्ट आई थी कि आरकेएस के ऊपर एक वीडियो बनाओ जिसमें उसकी सारी पावर्स के बारे में पता चले, और मुझे भी काफी दिनों से ऐसी ही एक वीडियो रेडी करनी थी। तो चलो फिर देखते हैं गॉड ऑफ ऑल पोकेमोन आरकेएस को। और मैं सोच रहा हूँ कि अब हर एक लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, तो मुझे कमेंट्स में बताना आपको अगला कौन सा देखना है। तो बिना टाइम गवाए हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा आप सभी को पता है, जब आसमान एकदम ब्लैंक था और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एकदम सन्नाटा था, तब आरकेएस एक एग से पैदा हुआ और वो एग अपने ही आप एनर्जी से बना था, और वो एनर्जी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा थी, इसलिए आरकेएस इतना ज्यादा ताकतवर है। और ये मल्टी टाइप है, मतलब अगर हम देखें तो इसके अंदर सारे टाइप्स हैं, फायर, वाटर, रॉक, ये सब कुछ ये यूज कर सकता है क्योंकि इसके पास स्पेशल पावर्स हैं, और गेम्स में से पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, तो सिर्फ 3% चांस है इसे पकड़ने के। वैसे मास्टर बॉल से सादे से पकड़ा जा सके। वहीं जैसे कि पॉकेडेक्स में सभी पोकेमोन की इन्फॉर्मेशन होती है, पर किसी भी रीजन के पॉकेडेक्स में आरकेएस की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आरकेएस माइथिकल है जो पहली बार जनरेशन 4 में बताया गया है। ये कभी इवॉल्व नहीं होता और ना ही ये कभी इवॉल्व हुआ है। और जहां तक मुझे पता है सन एंड मून की सीरीज में भी इसका कोई भी मेगा इवॉल्व नहीं है, पर ये प्लेट्स को होल्ड करके अपना टाइप चेंज कर सकता है और जी क्रिस्टल से भी। आरकेएस को द ओरिजिनल वन भी कहते हैं क्योंकि इसने स्नो और रेंसी को क्रिएट किया है, और जहां तक पूरे यूनिवर्स को, और साथ में लेक ऑफ गार्डियंस और क्रिएशन ट्रियो को भी। जैसा कि महान लोगों ने बताया है, आरकेएस ने अपने हजार हाथों से पूरे यूनिवर्स को शेप दिया था। ध्यान से सोचो गाइस, हजार हाथों से कितना पावरफुल होगा ये। जिसने लेक ऑफ गार्डियंस को भी बनाया था उसमें थे यूगजी, अजेल्प और मैस्प्रेड, और दूसरे क्रिएशन ट्रियो में डियाल्गा, पालकिया और गैरेटीना। इसलिए इन सब से आरकेएस की पावर सबसे ज्यादा है, और पोकेमोन की सारी स्पेसिस में सबसे ज्यादा टाइम तक जीने वाला पोकेमोन यही है। इसके पास अभी भी इतनी ताकत है कि दोबारा से क्रिएशन ट्रियो को बना सकता है, मतलब डियाल्गा, पालकिया और गैरेटीना को। क्योंकि अगर मान लो गलती से कभी दुनिया की रक्षा कर रहे हो और कोई ट्रेनर डाकिन को कैप्चर कर ले, इस हालात में आरकेएस दूसरे बना सकता है। और अकॉर्डिंग टू एनिमे इसकी पावर से किसी भी तबाह हो चुकी चीज या जगह हो या कोई पर्सन हो उसे वापस ठीक कर सकते हैं। आरकेएस एंशियंट टाइम से प्लेनेट की रक्षा में है, और ये मेटेराइट जैसे खतरों से सभी को बचाता है। वैसे इसका नेचर बहुत अच्छा है और ये काइंड भी है। वैसे ये कभी किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन अगर कभी किसी ने इसको गुस्सा दिलाया या गलत काम किया तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। और जहाँ टीम रॉकेट जैसे बुरे लोग हों तो उन्हें और भी ज्यादा समय तक सजा मिलेगी। आरकेएस ज्वेल ऑफ लाइफ में इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, और ये एक लौता ऐसा पोकेमोन है जिसे जजमेंट आता है। एक तरह से ये अच्छाई और बुराई का फैसला करता है। अगर हम इसके गेम के डेटा को देखें तो ये कुछ इस तरह है। HP से लेकर स्पीड तक सभी के पॉइंट सेम है 120, जिनको मिलाकर टोटल 720 होता है, जो बहुत ज्यादा है। किसी और मामूली पोकेमोन के पास इतने पॉइंट्स नहीं होते हैं। अब गाइस अगर मूव्स की बात की जाए तो लगभग हर मूवी से आता है साइस्मिक टॉस, कॉस्मिक पावर, नेचर गिफ्ट, ग्रेविटी, पनिशमेंट, अर्थक्वेक, हाइपर वॉइस, रिफ्रेश, एक्सट्रीम स्पीड, फ्यूचर साइट, रिकवर, हाइपर वॉइस, हाइपर बीम, पेरिस सॉन्ग और सबसे खास जजमेंट। ये कुछ मूव्स मुझे याद थे और ये सबसे खास हैं। फिर भी हम TM का यूज करके हर एक मूव को सीख सकते हैं। तो इन सब को जानने के बाद मैं बस यही कहूंगा, आरकेएस इज मोस्ट पावरफुल पोकेमोन इन ऑल, पर सिर्फ नॉर्मल में, क्योंकि मेगा रेक्वाजा की पावर नॉर्मल आरकेएस से ज्यादा है। गाइस यहाँ हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, सुपर पावर्स की नहीं। भले ही आरकेएस अपने हिसाब से किसी भी पोकेमोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर स्ट्रेंथ एक अलग चीज है। पर जो भी हो, आरकेएस अपने ही एक अलग लेवल पर है। और मे बी अगर फ्यूचर में मेगा आरकेएस आता है तो उसकी पावर मेगा रेक्वाजा से भी ज्यादा होगी, पर तब तक हमें देखना ही होगा कि ऐसा कौन सा पोकेमोन आएगा जो शायद आरकेएस को भी टक्कर दे दे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताओ आप सभी अगला कौन सा पोकेमोन देखना चाहोगे, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।